Hello children, welcome to Dikshant EduTech. I am Jyoti, your maths teacher. So today we are going to learn our math subject maths, and the topic is ascending and descending, chapter 14. So aaj hum log maths mein ascending and descending order ko learn karenge. Ascending order kya kehlata hai, descending order kya kehlata hai, उसमें कैसे नंबर्स को या किसी भी चीज को हम लोग राइट करते हैं, लर्न करते हैं, वो आज हम लोग इस टॉपिक में लर्न करने वाले हैं. सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग. सो असेंडिंग जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर्स या कोई भी चीज अरेंज की जाती है. ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज यानी छोटे से बड़ा. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग एक देख रहे हैं नंबर्स की ये क्या है, सीढ़ी है, जहाँ यहाँ स्मॉल नंबर से बढ़ते बढ़ते नंबर जो है वो लार्ज हो रहे हैं, जैसे ऊपर चढ़ना. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्ज टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े नंबर से नीचे यानी कम यानी स्मॉलेस्ट के पास जाना. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो है ये नंबर जो है ये लार्ज है, लार्ज से ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट के पास आ गया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर जाना पड़ता है और डिसेंडिंग में लार्ज टू स्मॉलेस्ट नंबर. अब इसे हम लोग यहाँ पहले असेंडिंग ऑर्डर को लर्न करते हैं. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हेन नंबर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है स्मॉलेस्ट टू लार्ज देन दे आर सेट टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर. जब नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है स्मॉलेस्ट टू लार्ज, यहां हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और इस तरह से अरेंज किया गया है. ठीक है, और ये कैसे जा रहा है, इस तरह से ये लाइन कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्ज. तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाता है, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर जहां नंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्ज हमें अरेंज करना होता है, तो वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर. जैसे यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4 देख रहे हैं, और भी नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें उन नंबर्स में स्मॉलेस्ट नंबर को पहले फाइंड करना होगा और उसके बाद इस तरह से नंबर्स जो उससे बिग होते जाएंगे उन्हें अरेंज करना होगा. तो वो जो ऑर्डर होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर. सो व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, जब नंबर्स को कैसे अरेंज किया जाता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी बड़े से छोटा जब अरेंज किया जाता है तब उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, देन दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तब उसे क्या कहा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर. जब नंबर्स को लार्ज टू स्मॉलेस्ट अरेंज किया जाता है तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं नंबर 4, 3, 2, 1 यानी फर्स्ट में क्या हो गया,
लार्जेस्ट नंबर आ गया, उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर तक इसे राइट किया गया। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब होता है तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो यहाँ हम लोग जो ये स्टेयर्स देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ, इन्हें देख करके हमें बताना है कि ये कौन सा ऑर्डर है। तो यहाँ पर जो है वो स्मॉलेस्ट टू लार्ज जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, और यहाँ जो स्टेयर्स है वो कैसे जा रही है, ऊपर से नीचे यानी बड़े से छोटा। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, ओके, सो स्मॉलेस्ट टू लार्ज असेंडिंग, लार्ज टू स्मॉलेस्ट डिसेंडिंग। ओके, सो यही इस ऑर्डर का है। इस पे स्मॉलेस्ट टू लार्ज जब नंबर्स अरेंज किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, और जब लास्ट टू लार्ज टू स्मॉलेस्ट अरेंज किया जाता है तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ नंबर देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नंबर 1, 2, 4 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्ज। यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें जो हमें दिख रही हैं, इनमें क्या करना है हमें, स्मॉलेस्ट टू लार्ज हमें नंबर्स देने हैं। 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जो सबसे स्मॉल है उसे देंगे हम लोग नंबर 1, फिर उसके बाद उससे जो बिग होगा उसे नंबर 2, उससे भी बिग जो होगा उसे नंबर 3, और सबसे जो लार्ज होगा उसे हम नंबर देंगे नंबर 4। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट जो यहाँ पर एक लाइन है उसमें क्या है, फ्लावर्स है, और फ्लावर्स का साइज जो है वो डिफरेंट है। हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट हमें स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा वाला प्लांट फ्लावर है उसे देना है नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाला जो फ्लावर है ये सबसे स्मॉल है, ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 1 के बाद कौन सा फ्लावर आता है, सो दिस इज नंबर 2, देन ये वाला फ्लावर आता है नंबर 3, एंड दिस इज नंबर 4। तो इसे अरेंज किया हम लोगों ने नंबर से स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज। यहाँ भी लंच बॉक्स है, इसमें भी सब अलग अलग साइज के हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो सबसे स्मॉल है उसे देंगे नंबर 1, तो दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट इससे कौन सा लार्ज हो रहा है, दिस, तो इसे देंगे हम लोग नंबर 2। अब इससे भी बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा हो रहा है ये, और इसे देंगे हम लोग नंबर 3, और सबसे लार्ज कौन सा है, दिस, सो इसे देंगे हम लोग नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम्स में सबसे स्मॉलेस्ट आइसक्रीम कौन सा है, दिस, तो ये हो गया नंबर 1, देन उसके बाद आता है ये नंबर 2, और उसके बाद ये नंबर 3, और ये है नंबर 4। तो स्मॉलेस्ट टू लार्ज ये अरेंज करना ही कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर, जो यहां पर हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर 1, 2, 4 फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, बिगेस्ट टू स्मॉल, यहां पर हम लोग नंबर 1, 2, 4 देंगे, बट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉल। सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है वो है बर्ड्स का,
और यहां सबसे बिग बर्ड जो है वो ये है, तो इसे देंगे नंबर वन, देन ये है नंबर टू और ये है नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर वन. इस तरह से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट यहाँ एरोप्लेन है और सबसे बिगेस्ट कौन सा है, दिस वन, नंबर टू है ये नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर ये लाइन में ही अरेंज है. और यहाँ पर लास्ट हमें दिख रहा है बैट्स है, और बैट्स में सबसे बिगेस्ट कौन सा है, लार्ज, दिस, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री एंड दिस इज नंबर फोर, ये भी लाइन में ही अरेंज है बिगर टू स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ हमें नंबर्स जो है, एक ट्रेन है और ट्रेन के हर बॉक्स में हमें क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज. तो यहाँ हम लोग जो एक एग्जाम्पल के यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे नंबर फोर सेवन वन सिक्स, तो यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, नंबर वन, वन के बाद टू, तो टू यहाँ नहीं है, थ्री, थ्री भी नहीं है, उसके बाद आता है फोर, और फोर नंबर यहाँ पर है, सो यहाँ पर फोर है, फोर के बाद कौन सा नंबर आता है, फाइव, फाइव नहीं है, फाइव आफ्टर सिक्स, तो सिक्स है, तो सिक्स, सिक्स आफ्टर सेवन. ओके, इस टाइप से जो नंबर गैप्स है, जो नहीं है, मिसिंग भी है, उनके बाद वाले नंबर को ही यहाँ राइट करना है. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं फाइव टू नाइन थ्री, ये फोर नंबर्स है और इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सो वी स्टार्ट नंबर वन, नंबर वन यहाँ नहीं है, नंबर वन के बाद आफ्टर देन टू, तो नंबर टू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन इस साइड है तो फर्स्ट बोगी में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, टू राइट करेंगे, उसके बाद नंबर टू के बाद थ्री, तो यहाँ भी थ्री नंबर है, थ्री, थ्री आफ्टर थ्री नंबर फोर, फोर नहीं है, फोर आफ्टर फाइव, और फाइव के बाद सिक्स सेवन एट मिसिंग है, तो ये है नंबर नाइन. इस तरह से अरेंज करना है नंबर को स्मॉलर टू लार्ज. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नंबर फोर एट टू सिक्स, इसे भी अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो नंबर टू है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो टू, टू के बाद कौन सा, फोर, और फोर से लार्ज कौन सा है, सिक्स, सिक्स से लार्ज सबसे बिगेस्ट नंबर है यहाँ एट. ओके, टू फोर सिक्स एट. नेक्स्ट वन फाइव थ्री सेवन, सो स्मॉलेस्ट नंबर है नंबर वन, देन थ्री, देन फाइव एंड देन नंबर सेवन. सो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज. अरेंज्ड फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. जब नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया जाता है, यानी बिग से स्मॉल, जितने भी बिगेस्ट नंबर जो होते हैं वो फर्स्ट आएंगे, देन उस जो लाइन है वो स्मॉल स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट तक यहाँ आ जाएगा. तो फर्स्ट यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे नंबर यहाँ फोर सेवन वन सिक्स, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ लार्जेस्ट नंबर है सेवन, देन सिक्स, फोर एंड वन. सो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर को यहाँ पर पहले फाइंड करेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो है नंबर नाइन,
फर्स्ट वी राइट 9, देन 9 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 5, नंबर 5, देन नंबर 3, नंबर 3 एंड स्मॉल कौन हो गया? नंबर 2, लार्जेस्ट टू स्मॉल, लार्जेस्ट टू स्मॉल. नेक्स्ट यहां पर है नंबर, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? यहां पर नंबर 8 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है. तो फर्स्ट वी राइट नंबर 8, देन नंबर 6, नंबर 6, देन नंबर 4, नंबर 4 एंड लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर 2. सो 8, 6, 4, 2. यहां भी नंबर्स को हम लोग पहले देखेंगे 1, 5, 3, 7. सो बिगर नंबर इज 7, देन 5, देन 3 एंड स्मॉलेस्ट हो गया 1. 7, 5, 3, 1. बिगर टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर. अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. यहां पर जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं इनको क्या करना है? अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज. यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं उसमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है उसे पहले फाइंड करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे 2 डिजिट का नंबर जो स्टार्ट होता है वो होता है 10. 10 नंबर से स्टार्ट होता है. तो यहाँ 10 नंबर नहीं है और 10 के आफ्टर ये आता है 11. तो फर्स्ट वी राइट नंबर 11, नेक्स्ट 12, 13. तो यहाँ भी 13 नंबर है तो वी राइट 13, 13 आफ्टर 14, 14 15, 15 16, 16 17, 17 नंबर है तो हम लोग भी यहाँ राइट करेंगे नंबर 17, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20. तो ये हो गया 20. और ये किस ऑर्डर में अरेंज्ड है? असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, स्मॉलेस्ट टू लार्ज. नेक्स्ट अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉल, लार्जेस्ट टू स्मॉल. सो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है? नंबर 18. सो फर्स्ट वी राइट 18. नेक्स्ट 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 18 से स्मॉल होगा? तो 18 के बाद आएगा यहाँ 15, नंबर 15, देन 15 आफ्टर 14, 14 एंड लास्ट 12. तो यहां पर क्या है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पर नंबर्स जो हैं इन्हें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हमें अरेंज करना है. तो फर्स्ट जो लाइन है वहाँ पर नंबर 9, 1, 7 एंड 5 है, यानी हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर मीन्स अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर. तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1. फर्स्ट वी राइट नंबर 1. 1 के आफ्टर 1 कौन सा नंबर आ रहा है स्मॉलेस्ट? 5. और नंबर 5 के बाद नंबर 7, नंबर 7.
एंड लार्ज नंबर कौन सा है यहाँ, नंबर 9. सो स्मॉलेस्ट टू लार्ज, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें 1 0 भी दिख रहा है, तो नंबर से पहले आता है 0, तो 0 यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट, तो फर्स्ट बी राइट हियर 0. 0 आफ्टर 1 नहीं है, तो यहाँ नंबर 2 है, तो वी राइट नंबर 2. नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 3. नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर नंबर 8, नंबर 8. अब इस लाइन में भी हमें फर्स्ट क्या दिख रहा है, नंबर 0, तो फर्स्ट वी राइट नंबर 0, देन 1 1, 4 4, एंड 9. दिस इज अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्ज. नेक्स्ट यहां पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो दिख रहा है नंबर 2, नंबर 2, देन नंबर 4, नंबर 4, देन नंबर 6, नंबर 6, एंड लार्जेस्ट नंबर इज नंबर 8, नंबर 8. सो नंबर्स अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. जब नंबर्स को कम से ज्यादा में अरेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट अरेंज्ड फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पर फर्स्ट हमें सबसे लार्ज नंबर है उसे फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं लार्जेस्ट नंबर है वो है नंबर 28, तो वी राइट हियर नंबर 28. नेक्स्ट नंबर जो है वो है 21. नेक्स्ट नंबर 11, नंबर 11, एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज नंबर 5, नंबर 5. अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट लाइन यहां पर 27 एंड 26 है, तो लार्जेस्ट हुआ 27, तो वी राइट हियर नंबर 27, देन नंबर 26, नंबर 9 एंड नंबर 7. ओके, नेक्स्ट यहां पर 30 एंड 20, तो लार्जेस्ट हुआ है यहां 30, तो वी राइट हियर नंबर 30, देन 21, देन 20 एंड नंबर 1. यहां पर नंबर 24 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, सो वी राइट हियर नंबर 24, देन नंबर 18, नंबर 18, देन नंबर 11 एंड लास्ट नंबर 9, नंबर 9. लास्ट यहाँ हम लोग देख रहे हैं नंबर 26 जो है वो है लार्जेस्ट नंबर, सो वी राइट हियर नंबर 26. नेक्स्ट हम लोग इससे जो लार्जेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है हमें, यहाँ पर हमें दिख रहा है नंबर 18, नंबर 18. नेक्स्ट नंबर 14, नंबर 14, देन नंबर 10, नंबर 10. सो नंबर्स अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड
डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो यहां पर नंबर्स हमें दिख रहे हैं और इन नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन नंबर फाइव, देन नंबर एट एंड नंबर नाइन. ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्ज. नेक्स्ट नंबर वन, देन नंबर फाइव, देन नंबर सेवन, नंबर नाइन एंड नंबर इलेवन. नेक्स्ट यहाँ हमें नंबर वन जो है स्मॉलेस्ट है, देन नंबर थ्री, नंबर फोर यहाँ नहीं है, सो नंबर फाइव, फाइव उसके बाद लिखेंगे सिक्स, देन नंबर एट. दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट यहाँ वन नंबर नहीं है तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ हो गया है नंबर टू, देन नंबर थ्री, देन नंबर फोर, फाइव एंड सिक्स. नेक्स्ट यहाँ नंबर वन, देन नंबर टू नहीं है तो नंबर थ्री लिखेंगे, नंबर फोर, नंबर टेन एंड नंबर फिफ्टीन. नेक्स्ट यहाँ नंबर वन एंड टू नहीं है सो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया कौन, नंबर थ्री, देन नंबर फोर, फोर के बाद यहाँ एट है, देन थर्टीन एंड एटीन. दिस इज अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ नंबर वन नहीं है तो नंबर टू जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, देन नंबर सिक्स, नंबर नाइन, नंबर ट्वेल्व, नंबर फिफ्टीन. नेक्स्ट यहाँ नंबर वन जो है स्मॉलेस्ट नंबर, देन नंबर फोर, नंबर सेवन, नंबर एट, नंबर फोर्टीन. ओके, दिस इज अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो यहाँ पर कप केक्स में नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग यहाँ राइट करेंगे. सो बिगर नेम, लार्जेस्ट नंबर इज नंबर नाइन, देन नंबर सेवन, देन नंबर फाइव, देन नंबर थ्री एंड नंबर वन. नेक्स्ट लाइन. सो यहाँ पर नंबर एटीन जो है वो लार्जेस्ट नंबर है. वी राइट हियर नंबर एटीन, देन नंबर फिफ्टीन, देन नंबर थर्टीन, नंबर एट एंड नंबर फाइव. नेक्स्ट यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर है नंबर ट्वेंटी. सो वी राइट हियर नंबर ट्वेंटी, देन नंबर सेवेंटीन, देन नंबर फोर्टीन, नंबर इलेवन, देन नंबर टेन. और इस लाइन में सबसे लार्जेस्ट नंबर है नंबर सिक्सटीन. सो फर्स्ट वी राइट हियर नंबर सिक्सटीन, देन नंबर ट्वेल्व, देन नंबर नाइन, नंबर सिक्स एंड नंबर थ्री. यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर है नंबर नाइनटीन. तो फर्स्ट वी राइट हियर नंबर नाइनटीन, देन नंबर सेवेंटीन, देन नंबर फिफ्टीन, थर्टीन एंड इलेवन. ओके, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, अरेंज फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर. अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स यहाँ नंबर वन टू टेन है और हम लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज. यहाँ पर नंबर सिक्स, फाइव, टेन, नाइन, फोर, सेवन, थ्री, इस तरह से अलग अलग
यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, तो हमें इसे क्या करना है, अरेंज करना है नंबर नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स नंबर स्मॉलेस्ट नंबर टू लार्ज। तो यहाँ नंबर 1 to 10 है, तो अरेंज करेंगे फर्स्ट नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9 and 10, smallest to large. This is called ascending order. Next, arranged from descending order. यहां भी number 1 to 10 है, जिसे हमें descending order means largest to smallest arrange करना है। तो number 1 to 10 है, तो start करेंगे largest number, number 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, this is called descending order. Now, write the numbers in ascending. तो यहां पर नंबर 38 to 43 हमें असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज में हमें राइट करना है। तो यहाँ नंबर 38, फर्स्ट वी राइट 38, देन 39, 40, 41, 42 and 43. Okay, this is in ascending order. Next, 22, 28, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. This is arranged from ascending order. Next, 16 to 26. So starting from 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. This is arranged from ascending order means smallest to large. 44 to 50. So starting from 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. This is arranged from ascending order. Now, write the numbers in descending order. 48 to 42. So first we write 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42. Largest to smallest. This is called descending order. Next, 36 to 31. 36, 35, 34, 33, 32 and 31. Next, 20 to 16. 20, 19, 18, 17 and 16. 33 to 28. 33, 32, 31, 30, 29 and 28. Arrange from largest to smallest. This is called descending order. So, ascending and descending orders को आज हम लोगों ने अच्छे से
लर्न किया, असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्ज एंड डिसेंडिंग मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।